लाख से एक लड़ाम तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं बाबा गुरु गोविंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये बात है अगस्त सन 1665 की, जब सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी धर्म और मानवता का प्रचार करने के लिए श्री आनंदपुर साहब पंजाब के पूर्वी भारत की ओर एक लंबी यात्रा के लिए निकले थे। गुरु साहब अपनी माता नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी और उनके भाई श्री कृपाल चंद जी के साथ मथुरा, कानपुर, बनारस होते हुए मई 1666 में पटना पहुंचे। उन दिनों पटना में मौसम बहुत ही खराब था, बरसात थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से माता गुजरी जी की तबीयत भी बहुत खराब थी। ऐसी हालत में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने माता गुजरी जी के लिए पटना में ही रुकने का बंदोबस्त किया। पटना के राजा फतेह चंद मैनी ने उनकी देखरेख का जिम्मा लिया और माता गुजरी जी के भाई श्री कृपाल चंद जी को परिवार की जिम्मेदारी देकर गुरु साहब खुद आगे आसाम की ओर यात्रा के लिए रवाना हो गए। 5 जनवरी 1666 को पटना की मुबारक धरती पर कलगीधर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश हुआ। उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके जन्म के समय पटना से कई मील दूर करनाल जिले के एक छोटे से गांव थसका में एक अनोखी घटना घटी। जब नमाज के समय सभी मुसलमान मक्का की ओर सजदा कर रहे थे, तभी एक फकीर मक्का की तरफ पीठ करके पूर्व दिशा में सजदा करने लगे। ये रब्बी फकीर सैयद भीकम शाह थे। फकीर को ऐसा करते देख उनके मुरीद हैरान हुए और पूछने लगे कि उन्होंने मक्का का अपमान करते हुए पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में सजदा क्यों किया। पीर भीकम शाह ने मुस्कुराते हुए अपने मुरीदों से कहा कि अभी अभी उन्हें पूर्व दिशा की ओर से आकाश में एक दिव्य प्रकाश का एहसास हुआ है। ये प्रकाश अलौकिक था। धरती पर एक रब्बी नूर का प्रकाश हुआ है और उस नूर से रूबरू होने के लिए हम सबको चलना चाहिए। फकीर की ये बात सुनकर सभी मुरीद पीर जी के साथ उस नूर की तलाश में चलने के लिए तैयार हो गए। लगभग 2 महीने का लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद पीर भीकम शाह अपने मुरीदों के साथ पटना पहुंचे। अपनी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस महल के आगे
श्रद्धा से अपना शीश झुकाया, जहां उस अलौकिक नूर का प्रकाश हुआ था। फिर उन्होंने महल की सेवादारनी से उस रब्बी नूर के दर्शन करने का आग्रह किया। सेवादारनी ने पीर भीकम शाह का संदेश माता गुजरी जी तक पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जी की गैर हाजिरी में माता गुजरी ने बालक गोविंद राय को किसी गैर से मिलाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन पीर भीकम शाह ने ठान लिया था कि उस नूर के दर्शन किए बिना वो वहां से जाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने अपने मुरीदों के साथ महल के बाहर ही स्थान ग्रहण कर लिया। अगले दिन उन फकीरों को बाहर बैठा देख कृपाल चंद जी ने उनके लिए लंगर का इंतजाम करवाया, लेकिन पीर शाह ने लंगर चखने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी लंगर उनकी भूख नहीं मिटा सकता, ये भूख तो उस नूर के दर्शनों से ही मिटेगी। पीर शाह की श्रद्धा देख माता गुजरी जी ने उन्हें बालक गोविंद के दर्शन करने की इजाजत दे दी। रब्बी बालक के अलौकिक रूप को देखकर पीर भीकम शाह अचंभित रह गए और उन्हें काफी देर तक निहारते रहे। पीर साहब ने बालक गोविंद के सामने दो मिट्टी के मटके रखे। नन्हे गोविंद मटकों को देखकर मुस्कुराए और अपने दोनों हाथ उन दोनों मटकों पर रख दिए। ऐसा करता देख पीर भीकम शाह ने बालक गोविंद की तरफ अपना शीश झुका दिया। वहां उपस्थित सभी लोग पीर को ऐसा करते देख हैरान हो गए। पूछने पर पीर भीकम शाह ने बताया कि दोनों मटकों में मिठाई थी, एक में हिंदू की दुकान से और दूसरे में मुसलमान की दुकान से। मैं जानना चाहता था कि बालक गोविंद किसका साथ देंगे। उन्होंने दोनों मटकों पर हाथ रखकर यह बताया कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्यारे हैं, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ देंगे। यही रब्बी नूर आगे चलकर सृष्टि के सबसे बड़े नायक सर्वंशदानी दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बने। उस जगह जहां गुरु जी का प्रकाश हुआ, आज उसको तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहेब के नाम से जाना जाता है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पंडित शिवचंद पटना शहर के विख्यात पंडितों में से एक थे। रोज सुबह गंगा स्नान करने के बाद वो घंटों ध्यान लगाकर भगवान राम का सिमरन किया करते थे। उन्हें अपनी भक्ति पर बहुत विश्वास था और उन्हें लगता था कि एक न एक दिन प्रभु राम उन्हें जरूर दर्शन देंगे। इसी विश्वास के साथ तपस्या करते करते पंडित शिवचंद की आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी थी, पर उन्हें प्रभु दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। इसी बात से पंडित शिवचंद अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन पंडित शिवचंद गंगा किनारे जब इन्हीं विचारों में खोए हुए अपनी समाधि में लीन थे, तभी बाल गोविंद अपने मित्रों के संग आए और पंडित जी के कान में बोले, पंडित जी, पंडित जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्हें साक्षात प्रभु राम के दर्शन हुए। पंडित जी ने अपना शीश
गुरु जी के चरणों में नतमस्तक किया और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया। पंडित शिवचंद बालक गोविंद के मुरीद हो गए। जब भी ध्यान में जाते, गुरु गोविंद सिंह जी का अलौकिक चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। आज गंगा के उस घाट को गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है। बालक गोविंद बचपन से ही बड़े तेज और हिम्मत वाले थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने तैरने में महारत हासिल कर ली थी। बालक गोविंद को गंगा में तैरना बहुत पसंद था। पंडित शिवचंद अक्सर उन्हें संभल कर तैरने को कहा करते थे, पर बालक गोविंद निडर होकर तेज लहरों और गहरे पानी का सामना करते हुए तैरने का आनंद लिया करते थे। एक दिन राजा फतेह चंद और उनकी पत्नी गंगा के किनारे पंडित शिव चंद को मिलने आए। राजा के पास दुनिया के सभी सुख साधन थे, परंतु वो औलाद के सुख से वंचित थे। राजा और रानी ने पंडित जी से औलाद के लिए प्रभु से दुआ मांगने को कहा। पंडित शिवचंद जी ने उन्हें बालक गोविंद के नूर के बारे में बताया। पंडित जी ने राजा और रानी को बालक गोविंद का ध्यान करने को कहा। राजा ने कहा, जिस बालक को हमने देखा तक नहीं, उनका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? राजा और रानी की बालक गोविंद के दर्शनों की अभिलाषा बहुत जल्द पूरी हो गई। एक दिन बालक गोविंद अपने मित्रों के साथ राजा फतेह चंद के घर बिना बताए पहुंच गए। उस वक्त राजा और रानी दोनों ध्यान मुद्रा में थे और रानी औलाद के लिए दुआ मांग रही थी। उसी वक्त बालक गोविंद रानी की गोद में बैठ गए और कहा, मां मैं आ गया। रानी ने अपनी आंखें खोली और बालक गोविंद का नूरानी चेहरा देखकर भावुक हो गई। बालक गोविंद ने रानी से कहा, मां हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे। रानी जब फल और मिठाई मंगवाने लगी तो बालक गोविंद ने कहा कि वो फल और मिठाई नहीं, बल्कि मां के हाथ की पूरी और छोले खाएंगे। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई। बालक गोविंद ने रानी के हाथों से खाना खाया। रानी को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ मानो गुरु जी उनको औलाद का आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन के बाद बालक गोविंद राजा और रानी के घर अक्सर अपने मित्रों के साथ आते रहते थे। उन्हें वहां का बगीचा बहुत पसंद था। बालक गोविंद उस बगीचे में अपने मित्रों के साथ सारा दिन खेलते रहते और वहां पर पेड़ पौधों को पानी देते और वहां के माली की भी मदद किया करते थे। बालक गोविंद को ये सब करते हुए बहुत आनंद प्राप्त होता था।
बहुत जल्द गुरु के आशीर्वाद से राजा फतेह चंद मैनी और रानी के घर खुशियों की लहर दौड़ उठी। उनकी बरसों की मुराद पूरी हो गई और उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। जब बालक गोविंद पटना छोड़कर आनंदपुर साहब जा रहे थे, तब राजा ने अपने उसी घर को गुरुद्वारा बना दिया। आज उस गुरुद्वारे को मैनी संगत के नाम से जाना जाता है। ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के खेल बड़े विचित्र और अनोखे हुआ करते थे। बचपन में गुरु जी टोलियां बनाकर लड़ाई का अभ्यास किया करते थे। सारे शहर में उनकी बाल सेना बहुत मशहूर थी। गुरु जी खिलौनों की बजाय तीर कमान जैसे शस्त्रों से खेला करते थे। उनकी निशानेबाजी दूर दूर तक मशहूर थी। गुरु जी के तीरंदाजी के करतब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तीरंदाजी के अलावा गुरु जी को गुलेल से निशाने लगाने का भी बहुत शौक था। जिस हवेली में गुरु जी रहते थे, उसी हवेली में कुआं था। उस कुएं का पानी बहुत ही मीठा और स्वच्छ था। मोहल्ले की औरतें उस कुएं से पानी भरने आया करती थीं। जब भी वो औरतें कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर जाने लगती थीं, तभी गुरु जी अपनी गुलेल से उनके घड़ों का निशाना बनाकर उन्हें तोड़ दिया करते थे। सभी औरतें माता गुजरी जी को गुरु जी की शरारत पर शिकायत किया करती थी। जिस पर माता गुजरी जी उन सबको दिलासा देकर घड़े के मोल से भी ज्यादा पैसे दिया करती थी। घड़े की कीमत से भी ज्यादा पैसे मिलने पर वो औरतें खुश हो जाती थी। गुरुजी हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के साथ ही ऐसी शरारत किया करते थे। वो बार बार ऐसा क्यों करते थे, इस बात को माता गुजरी जी भी समझ नहीं पा रही थी। इसी तरह की एक और घटना है। गुरुजी के घर के पास एक विधवा बूढ़ी माई रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो चरखा कातकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। गुरुजी उस बूढ़ी माई के घर में जाकर उसकी सारी चरखियां बिखेर देते थे, जिससे वो गरीब बूढ़ी माई बहुत दुखी हो जाती थी और गुरुजी की शिकायत माता गुजरी जी को किया करती थी। माता गुजरी जी उस बूढ़ी माई को भी उसकी चरखियों के दाम से भी ज्यादा पैसे दे दिया करती थी, जिससे वो बूढ़ी माई भी खुश हो जाती थी।
एक दिन शिकायतों से तंग आकर माता गुजरी जी ने बालक गोविंद से पूछा कि वो ऐसा बार बार क्यों करते हैं। तो बालक गोविंद हंसकर बोले कि मैं ये सब इसलिए करता हूं ताकि गरीबों का भला हो और उन्हें ज्यादा पैसे मिले जिससे उनकी गरीबी आसानी से कट सके। गुरुजी जब भी अपने विचित्र और अनोखे खेल से किसी के साथ शरारत किया करते थे तो दरअसल उस शरारत के पीछे उस मनुष्य की भलाई ही छुपी होती थी। इसी तरह का गुरुजी का एक और विचित्र किस्सा है। गंगा नदी किनारे एक कोढ़ी रहता था। वो कभी भी स्नान नहीं करता था। एक दिन जब गुरुजी अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहे थे उन्होंने उस कोड़ी को गंगा में धक्का दे दिया। वो कोड़ी घबराकर चिल्लाने लगा। परंतु जैसे ही वो कोड़ी नदी से बाहर आया तो उसके शरीर से कोढ़ दूर हो चुका था। अब वो बिल्कुल स्वस्थ था। कोड़ी अपने स्वस्थ शरीर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और गुरुजी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा और जिंदगी भर के लिए गुरुजी का अनुयायी हो गया। ऐसे थे बचपन के बालक गोविंद जो बड़े होकर इस युग के एक महान नायक बने, साहिबे कमाल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी आसाम से जब पटना वापस पहुंचे तो उनका उनके पुत्र बाला प्रीतम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से जब पहली बार मिलन हुआ तब उनकी उम्र 4.5 साल की थी। पिता पुत्र का मिलन जिस बाग में हुआ वो बाग एक ब्राह्मण के श्राप की वजह से उजड़ गया था। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरण इस बाग में पड़े तब ये बाग फिर से हरा भरा हो गया। आज इस जगह एक गुरुद्वारा है जिसे गुरु का बाग के नाम से जाना जाता है। कई बरसों की लंबी यात्रा के बाद गुरु तेग बहादुर जी पटना वापस आए थे। गुरुजी कुछ समय अपने परिवार और पटना की संगत के साथ बिताकर परिवार सहित आनंदपुर साहिब वापस जाना चाहते थे, परंतु पंजाब के बिगड़ते हालात का संदेशा मिलते ही गुरु तेग बहादुर जी को तुरंत आनंदपुर साहिब की तरफ रवाना होना पड़ा। पंजाब के हालात ठीक होते ही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पटना से पूरे परिवार को आनंदपुर साहिब
वापस बुलवाने का संदेशा भेजा। गुरुजी के वो मित्र जिनके संग गुरुजी गंगा किनारे तरह तरह के खेल खेला करते थे, जिनके संग गुरुजी ने बचपन के 7 साल बिताए थे, खबर मिलते ही वो सब मित्र भरे मन से अपने मित्र बाला प्रीतम से मिलने पहुंचे। बाला प्रीतम के पटना से जाने की खबर बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल गई। खबर मिलते ही राजा फतेह चंद मैनी, रानी विशंभरा देवी और पंडित शिवचंद बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से मिलने उनके घर पहुंचे। रानी विशंभरा देवी बाला प्रीतम को अपने पुत्र के जैसा समझती थी। बाला प्रीतम अक्सर अपने मित्रों के साथ रानी के घर खेलने जाया करते थे। खबर सुनते ही रानी बहुत उदास हो गई। बाला प्रीतम भी रानी मां से बहुत स्नेह करते थे। गुरुजी ने यादगार के तौर पर राजा फतेह चंद मैनी को एक तलवार भेंट की। राजा फतेहचंद मैनी ने गुरुजी को रोकने की बहुत कोशिश की। गुरुजी ने राजा और रानी को समझाया और कहा कि वो उदास ना हों। जब भी उन्हें बाला प्रीतम की याद आए वो ध्यान लगाकर गुरबाणी का पाठ करें। ऐसा करने से वो गुरुजी को अपने साथ ही पाएंगे। पटना की वो मुबारक और पावन धरती जहां दशम पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ था, अब वहां से विदाई लेने का समय आ गया था। पूरे पटना शहर में गुरुजी की विदाई की तैयारियां चल रही थी। लोग दूर दूर से गुरुजी के दर्शन करने आ रहे थे। गुरुजी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद जी और पटना की संगत के साथ आनंदपुर साहेब की तरफ रवाना हो गए। पटना की संगत गुरुजी को छोड़ने दानापुर तक साथ आई। दानापुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मामा कृपाल चंद ने सफर का पहला पड़ाव दानापुर में डाला। पड़ाव का सारा इंतजाम पटना के एक बहुत बड़े व्यापारी जगता सेठ ने किया। जगता सेठ को उनकी इस दरियादिली की वजह से आज तक याद किया जाता है। दानापुर पटना साहिब से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सिख इतिहास में दानापुर को एक मशहूर एवं ऐतिहासिक किस्से की वजह से जाना जाता है। दानापुर में एक बूढ़ी माई रहा करती थी जिसने कभी श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी यात्रा के दौरान अपनी हांडी से खिचड़ी खिलाई थी। खबर मिलते ही वो माई भी बाला प्रीतम के दर्शन करने पहुंच गई। माई बड़े दिल से बाला प्रीतम के लिए खिचड़ी लाई थी। गुरु जी ने माई से कहा कि वो खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दें। संगत ज्यादा थी और खिचड़ी बहुत कम। माई ये सुनकर उदास हो गई। गुरुजी माई के दिल की व्यथा को जान गए। उन्होंने माई की हांडी पर हाथ रखकर अरदास की।
माई ने डरते डरते खिचड़ी को डालना शुरू किया। खिचड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही न ले। सारी संगत ने पेट भर कर खिचड़ी खाई, परंतु फिर भी हांडी में खिचड़ी खत्म नहीं हुई। ये देखकर माई और पटना की सारी संगत हैरान रह गई। आज इस जगह पर एक खूबसूरत गुरुद्वारा है, जिसको हम गुरुद्वारा हांडी साहब के नाम से जानते हैं, जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद गुरु गोविंद सिंह जी, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और कृपाल चंद जी जब लखनऊ पहुंचे तो सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ उठी और वहां के लोगों ने उन सब का भव्य स्वागत किया। पूरा आनंदपुर साहब, बाला प्रीतम साहब, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आनंदपुर साहब में अचानक मौसम खराब हो गया। बारिश और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाल चंद जी को कुछ दिन और लखनौर में ही रुकने का संदेशा भिजवाया। लखनौर में जैसे जैसे लोगों को बाला प्रीतम के आने की खबर मिलती गई, लोग दूर दूर से बाला प्रीतम के दर्शन करने आने लगे। पूरे लखनौर में मेले जैसा माहौल हो गया था। बाला प्रीतम साहेब जी गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने दादा सिखों के छठे गुरु श्री हर गोविंद साहेब की तरह अपनी पगड़ी पर कलगी लगाया करते थे। कलगी की वजह से रब्बी नूर बाला प्रीतम साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को सच्चे पातशाह कलगीधर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लखनौर में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी की तैयारी बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। गुरु जी जब घुड़सवारी किया करते थे तब वहां के लोगों को उनमें उनके दादा श्री हर गोविंद साहेब जी का रूप दिखाई देता था। गुरु गोविंद सिंह महाराज की घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी के करतब लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। करनाल के थसका गांव के सैयद पीर भीकन शाह, जो गुरु जी के प्रकाश के समय उनके दर्शन के लिए पटना भी गए थे, उन्हें जब ये खबर मिली कि बाला प्रीतम लखनौर में आए हुए हैं तो वो उसी वक्त अपने मुरीदों को लेकर गुरु साहब के दर्शन करने लखनौर पहुंच गए।
उन दिनों लखनौर में सिर्फ एक ही कुआं हुआ करता था, जहां से आसपास के गांवों के लोग पानी भरा करते थे। उस कुएं की हालत बहुत ही खराब थी और उसका पानी भी खारा था। लखनौर की संगत ने माता गुजरी जी से प्रार्थना की कि वो गांव के लिए एक नया कुआं बनवा दें। माता गुजरी जी ने वहां पर एक नया कुआं बनवाया, जिसका पानी बहुत ही मीठा था। कुछ ही दिनों में गुरुजी और उनके पूरे परिवार ने लखनौर की संगत का दिल जीत लिया। गुरुजी इस यात्रा के दौरान जहां पर भी रुकते थे, वहां के लोग उनके मुरीद हो जाते थे। कई दिनों के खराब मौसम के बाद जब आनंदपुर साहब में मौसम ठीक हुआ, तब गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाल चंद को संदेश भिजवाया कि वो उसी वक्त परिवार को लेकर आनंदपुर साहब के लिए रवाना हो जाएं। गुरु जी के लखनौर से जाने की खबर जैसे ही वहां की संगत को मिली, तो वो सब लोग उसी वक्त गुरु जी को मिलने पहुंच गए। वहां के लोगों को बाला प्रीतम साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से कुछ ही दिनों में बहुत लगाव हो गया था। गुरु जी ने सारी संगत को ये संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वो सबका भला करता है। कई महीनों की लंबी कठिन परंतु यादगार यात्रा के अंतिम चरण में गुरुजी लखनौर की संगत से विदा लेकर अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहब की तरफ रवाना हो गए। लखनौर का वो छोटा सा गांव गुरुजी के इस पड़ाव की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और कृपाल चंद जी लखनौर के बाद किरतपुर साहब पहुंचे, जिसकी स्थापना गुरु जी के दादा सिखों के छठे गुरु श्री हर गोविंद साहब ने की थी। वहां उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए और बाला प्रीतम के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। जिस पल का आनंदपुर साहब के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो पल आ ही गया। आनंदपुर साहब की संगत ने साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनके पूरे परिवार का भव्य स्वागत किया। ये नजारा इतना खूबसूरत था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरी संगत एक तरफ वाणी का पाठ कर रही थी और दूसरी तरफ फूलों की वर्षा। वहां उपस्थित हर व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन करके खुश और उत्साहित था।
भव्य स्वागत के बाद वो क्षण आया जिसका बाला प्रीतम को बेसब्री से इंतजार था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को दरबार हाल में देखा तो उन्होंने नतमस्तक होकर अपने पिता का सम्मान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र बाला प्रीतम साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खुशी से गले लगाया और आशीर्वाद दिया। ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी ताकत और जुल्म से कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो मुगल सम्राट शहंशाह का बेटा था, एक क्रूर और निर्दयी शासक था। वो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर कहता था और उनसे सख्त नफरत करता था। उसने कश्मीरी पंडितों के धर्म को परिवर्तन कराने के लिए एक फरमान जारी किया। औरंगजेब के इस फरमान से कश्मीरी पंडितों में हाहाकार मच गया। कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के इस फरमान का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने निहत्थे कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्त जुल्म करने शुरू कर दिए। आंखों में मिर्ची डालकर उन पर पट्टी बांध दी गई। पंडितों को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा गया। उन निहत्थे मासूमों को तरह तरह की यातनाएं दी गई। कश्मीरी पंडितों को किसी ने बताया कि उनकी इस समस्या से उन्हें सिर्फ सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही निकाल सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरु जी को कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के बारे में बताया। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी उदास हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक इस अत्याचार का विरोध नहीं किया जाएगा, ये जुल्म नहीं रुक सकता और इसके लिए किसी महापुरुष को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो उस समय अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही बैठे हुए थे, पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वो अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोले कि आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। वहां खड़े सभी कश्मीरी पंडित हैरानी से गुरु जी को देखने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी की इस उम्र में ऐसी सोच को देखकर पिता गुरु तेग बहादुर जी हैरान रह गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का साथ देने के लिए हां कर दी। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की बातों का उनके पिता पर गहरा असर हुआ। इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना गए। गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म और औरंगजेब के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना औरंगजेब से मिलने दिल्ली की ओर रवाना हो गए।
धर्म और मानवता के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म के 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी जब औरंगजेब से मिलने दिल्ली जा रहे थे, तब गुरु जी और उनके साथियों को मुगल फौज ने गिरफ्तार कर लिया। निर्दयी मुगल हुकूमत की फौज गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में औरंगजेब से मिलाने के लिए एक पिंजरे में कैद करके ले गई। औरंगजेब ने गुरुजी को डराने के लिए गुरुजी के पास अपना एक नवाब भेजा, जिसने गुरुजी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको और उनके साथियों का कत्ल कर दिया जाएगा। गुरुजी पर नवाब की इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां और बहन जाहिरा को कैद किया था, जिसने अपने 3 सगे भाइयों भतीजे और भतीजियों का कत्ल किया था, ऐसे जालिम इंसान से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के लिए गुरु जी के साथियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुजी की आंखों के सामने भाई सतीदास जी को रूई में लपेट कर जिंदा जला दिया। भाई सतीदास जी अपने धर्म पर अडिग रहे और हंसते हंसते शहादत कबूल की। औरंगजेब ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के दूसरे साथी भाई दयाला जी को उबलते पानी की देग में डाल दिया। भाई दयाला ने भी शहादत को मुस्कुराकर अपने गले लगाया और बोले, जिंद जाए ता जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। भाई दयाले की शहादत के बाद क्रूर और निर्दयी औरंगजेब ने भाई मतीदास को आरे से चिरवा दिया। भाई मतीदास भी शहीद हो गए पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। है तू इतनी जिन कटी सीस
औरंगजेब ने गुरुजी के पास काजी अब्दुल वहाब बोहरा को भेजा। काजी ने गुरुजी से कहा, या तो कलमा पढ़ो या अपनी मौत को कबूल करो। गुरुजी ने कहा, धर्म त्यागना मंजूर नहीं, शहादत हमें मंजूर है। गुरु तेग बहादुर जी का जवाब सुनकर काजी ने सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से जुदा करने के फतवे का ऐलान कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 दिन बृहस्पतिवार समय सुबह के करीब 10 बजे चांदनी चौक दिल्ली में जालिम हुकूमत से धर्म की रक्षा करते हुए हिंद की चादर बनकर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। जब गुरु जी की शहादत हुई तब चारों तरफ हाहाकार मच गया, धरती आसमान कांप उठे। ऐसा आंधी तूफान आया जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का हुक्म था कि शहादत के बाद कोई भी गुरुजी के धड़ और सिर को वहां से नहीं उठाए। गुरुजी के भक्त भाई जेताजी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरुजी के शीश को उठाया और छिपते छुपाते किरतपुर की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली के शाही ठेकेदार और गुरुजी के सेवक भाई लखी शाह बंजारा गुरुजी के धड़ को अपने रुई के गड्ढे में छुपाकर अपने घर गांव राय सिन्हा के रकाबगंज मोहल्ले में लेकर आए, जहां उन्होंने रात को अपने ही घर को आग लगाकर गुरुजी का संस्कार किया। जिस स्थान पर गुरुजी की शहादत हुई आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज है, और जिस स्थान पर गुरुजी के शीश का संस्कार हुआ उस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज है। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अपनी जान की परवाह किए बिना गुरु जी के सेवक भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को दिल्ली से किरतपुर के रास्ते छुपते छुपाते अनंतपुर साहिब में ले गए। उन्होंने जब गुरु जी के शीश को गुरु गोविंद सिंह महाराज को सौंपा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, रगरेटा गुरु का बेटा। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार और हिंदुओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐलान कर दिया कि वो ये नरसंहार और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने धर्म युद्ध की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। गुरु जी को तीरंदाजी का बहुत शौक था
इतिहास गवाह है, जब भी गुरुजी ने अपनी कमान चढ़ाई तो उनका निशाना कभी नहीं चूका। धर्म युद्ध सिर्फ शास्त्रों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसके लिए नीति शास्त्र के ज्ञान का होना भी उतना ही जरूरी है। इस बात को गुरुजी ने छोटी उम्र में ही समझ लिया था। जहां एक तरफ गुरुजी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वो नीति शास्त्र भी सीख रहे थे। गुरुजी ने मुंशी पीर मोहम्मद साहब से पारसी भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा था, जिसे इतिहास में जफरनामा के नाम से जाना जाता है। फारसी के अलावा गुरुजी ने गुरमुखी, ब्रज भाषा और संस्कृत में भी महारत हासिल की। 11 नवंबर सन 1675 में गुरु गोविंद सिंह महाराज अनंतपुर साहब में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अनंतपुर साहब पहुंचे। बाबा बुढ़ा जी के वंश की बीबी राम कौर जी ने हीरे मोतियों से जड़ी दस्तार पेश की और उनके कलगी सजाई। बंदी छोड़ दिवस का सिख इतिहास में बहुत महत्व है। ये दिन सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी की ग्वालियर की कैद से रिहाई की खुशी में मनाया जाता है। गुरु जी की कृपा से 52 राजा, जिन्हें मुगल शासक जहांगीर ने कैद किया हुआ था, वो भी रिहा हो पाए थे। आसाम के राजा रतन राय, जिनका जन्म श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से ही हुआ था, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शन करने श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। राजा रतन अपने साथ गुरु जी के लिए नायाब तोहफे लाया था, जिसमें एक 5 कला का हथियार, एक 4 पुतलियों वाली चंदन की चौकी, 5 घोड़े और एक हाथी था, जिसे प्रसादी हाथी कहा जाता था। उस हाथी की सूंड से लेकर पूंछ तक एक सफेद रेखा थी। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अस्त्र शस्त्र, नीति और भाषा के ज्ञान को हासिल करने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फौज बनाने का निर्णय लिया। जुल्म का सामना तलवार उठाकर ही किया जा सकता है, इस बात का गुरुजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जैसे ही गुरुजी के भक्तों को गुरुजी के फौज को बनाने के फैसले का पता चला, तो पूरे पंजाब से हजारों की तादाद में लोग अनंतपुर साहब में फौज में भर्ती होने के लिए पहुंचने लगे। गुरु महाराज ने अपनी फौज के लिए एक नगाड़ा बनाने का निर्णय लिया। नगाड़े की आवाज से फौज जोश में आ जाती थी और उसकी आवाज से दुश्मन की फौज भी घबरा जाती थी। उन दिनों नगाड़ा सिर्फ राजा ही रख सकते थे। गुरु जी के इस निर्णय से मुगल और पहाड़ी राजा विचलित हो गए।
जिस व्यवस्थित ढंग से गुरु गोविंद सिंह महाराज भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, उसे देखकर मुगल शासक भारी चिंता में आ गए थे। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। नाहन क्षेत्र के राजा मेदनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और शिकार खेलने के लिए आमंत्रित किया। गुरु जी ने अपने मामा कृपाल चंद और माता गुजरी जी से सलाह करके नाहन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। नाहन क्षेत्र की मन को मोहने वाली प्राकृतिक सुंदरता गुरु जी को बहुत पसंद आई। वहां की हवा, पहाड़, नदियां, झरने, इन सब ने गुरु जी के मन को मोह लिया। नाहन क्षेत्र गुरु जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ समय वहीं पर बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा किनारे अपना एक निवास स्थान बनाया। इतिहास में आज उस स्थान को पौंटा साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। गुरु जी के दरबार में 52 कवि थे, जो साहित्यिक रचनाओं की रचना करते रहते थे। गुरु साहब साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते थे, जिस तरह आनंदपुर साहब में कवि दरबार लगा करते थे, उसी तरह पौंटा साहब भी साहित्य का केंद्र बन गया था। गुरु जी के साथ साथ आनंदपुर साहब के हजारों श्रद्धालु भी पौंटा साहब प्लान कर गए। आनंदपुर साहब की तरह अब पौंटा साहब में भी हर रोज वाणी का पाठ होने लगा और कीर्तन दरबार सजने लगे। गुरु जी को जब ये पता चला कि पौंटा साहब के लोग एक आदमखोर शेर की वजह से परेशान है, तब गुरु जी उस शेर का शिकार करने जंगल पहुंचे। जहां वो शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, सोते हुए पर वार ना करके गुरु जी ने उसे ललकारा। जैसे ही शेर ने गुरु जी पर छलांग लगाई, गुरु जी ने अपनी तलवार से उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ ही दिनों में गुरु गोविंद सिंह महाराज की शानो शौकत और बहादुरी के किस्से पूरे नाहन क्षेत्र में मशहूर होने लगे। जहां उन दिनों छोटी जाति के लोगों का हथियारों को हाथ लगाना भी वर्जित था, वहीं गुरुजी ने उन्हें अपनी फौज में भर्ती कर उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की शुरुआत।
गुरु जी की बढ़ती शान से विचलित होकर पहाड़ी राजा भीमचंद ने जायजा लेने के लिए अपना एक पुरोहित गुरु जी के दरबार में भेजा। गुरु जी की लोकप्रियता, अपार संपत्ति और नायाब वस्तुओं को देखकर पुरोहित हैरान रह गए। उस पुरोहित ने जाकर जब ये जानकारी राजा भीमचंद को दी तो वो भी पुरोहित की तरह अचंभित रह गया। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे गुरुजी इतनी जल्दी लोकप्रिय हो रहे हैं। जहां एक और पहाड़ी राजा गुरुजी की बढ़ती शान से ईर्ष्या करने लगे थे, वहीं दूसरी ओर छोटी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करने के क्रांतिकारी फैसले से भारी चिंता में आ गए थे। सैयद पीर बुद्धू शाह, जो साधुरा गांव के रहने वाले थे, जिसे आज हम अंबाला के नाम से जानते हैं, गुरु जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्हें जब ये पता चला कि गुरु जी अपनी फौज बना रहे हैं तो उन्होंने गुरु जी को 500 पठान सैनिक अपनी तरफ से भेंट किए। गुरुजी के प्रति राजा भीमचंद की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसने राजा फतेहचंद, राजा कृपाल, राजा हरिचंद की सेना को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर गुरुजी का साथ पीर बुद्धू शाह जी दे रहे थे। पहाड़ी राजा भीमचंद की गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रति बढ़ती ईर्ष्या की वजह से उनका गुरुजी से अक्टूबर सन 1686 में पांवटा साहिब से 6 किलोमीटर दूर एक घमासान युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में बघानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिखन को हुक्म है गुरु मां